इंट्रोडक्शन से शुरू। माय नेम इज ऋषभ, आई लिव इन पंचकूला एंड रिसेंटली आई डिड कंप्लीट माय एडवांस्ड डिप्लोमा इन कॉल फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट। आई कंप्लीटेड माय 10th एंड 12th फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड एंड आफ्टर दैट आई डिसाइडेड टू स्टार्ट माय करियर इन सीएसई कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज को निमाचल। दैट इज ऑल फॉर ओके। तो आपकी कंप्लीट हो चुका है आपका कॉलेज? मैम हां, रिसेंटली कंप्लीट हुआ है अगस्त में 2022 में। 22 अगस्त में अभी हुआ है। हां जी। तो वहाँ पे आप मेन सब्जेक्ट्स क्या थे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में? सर मैं ऐड था सर, AWD था सर। ओके। और भी थे सर, जैसे कि एक था एनालिसिस एल्गोरिथम वाला था सर, ऐसे ऐसे थे सर। यहाँ पे आपने कोर्स में क्या क्या चीज़ें की हैं सर? जैसे काफ़ी सारे मॉड्यूल्स किए हैं, बट जो मेरे बेस्ट मॉड्यूल है सर, मेरे SEO है, गूगल एड्स एंड सोशल मीडिया एड्स है, मेरे 3 बेस्ट मॉड्यूल्स हैं। ओके। आपने यहाँ पे बिगिनर ही लिखा है अपने आप को? हाँ जी। बेसिकल एंड गूगल एड्स, आपको थ्योरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकली भी कर लेते हैं? प्रैक्टिकली भी करना चाहिए। ओके। आप थोड़ा कीवर्ड्स के बारे में बताओ कि गूगल एड्स के लिए क्या क्या, किस किस तरह के कीवर्ड्स, टाइप ऑफ कीवर्ड्स? टाइप ऑफ कीवर्ड्स सर, एक तो शॉर्ट टर्म कीवर्ड्स होते हैं, लॉन्ग टर्म कीवर्ड्स होते हैं। जो सर हमारी एड्स होती है ना सर, वो हमारे कीवर्ड्स के बेस पे ही होते हैं। जो जो क्या कहते हैं, जो यूजर्स एक जो क्वेरी वो फाइट करेगा, जैसे उसने कोई भी कीवर्ड्स वो टाइप किया, उसी कीवर्ड से हमारी एड्स चलती है सर, उसी की बेस पे हमारी क्लिक्स आती हैं। ओके। ब्रॉड मैच, एग्जैक्ट मैच, फ्रेज मैच कीवर्ड्स? ब्रॉड मैच कीवर्ड्स, एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स और फ्रेज मैच कीवर्ड्स जो होते हैं, इनके बारे में कुछ पता है आपको? एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स तो सर, सर वो हो गया जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग लिखा तो एग्जैक्ट हो गया सर। ब्रॉड में हमारा आ जाता है कि जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन चंडीगढ़, फ्री कोर्सेज, ऐसे ऐसे लगा सकते हैं सर। ठीक है। डिस्कवरी एड्स के बारे में बताएं। डिस्कवरी एड्स सर, ये डिस्कवरी एड्स होती है जैसे कि सर यूट्यूब पे दिख जाएगी, जीमेल पे दिख जाती है सर, वो डिस्कवरी एड्स होती है सर। आपने लगाई भी हैं सर? हाँ, मैंने अपनी प्रैक्टिकल की है। ओके। आप एक कैंपेन लगाओ गूगल पे, ठीक है? आपको सर्च कैंपेन लगाना है। सर्च कैंपेन? ओके। सर्च कैंपेन पे सेल्स के लिए लगाना है आपको, ठीक है? वेबसाइट विजिट्स, फोन कॉल्स लगा दो। बिल लिमिट क्या होती है सर? कैसे क्लिक बिल लिमिट कि सर इससे ऊपर मैं क्लिक के पैसे नहीं दूंगा? ओके। तो इसका कैंपेन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर आपने कम बिड रखी तो ट्रैफिक आएगा नहीं, बिड कैसे डिसाइड करोगे? बिल कैसे भी सेट करूँगा सर? पहले सर मैं वो डेली अमाउंट भी तो अपनी यूज़ करूँगा कि मैं अपने एक दिन में कितने अमाउंट स्पेंड करूँगा एड्स के लिए। नहीं, आप बिल कैसे डिसाइड करोगे कि आपने मान लो 10 रुपये रखी है एग्जाम, तो आपने 10 रुपये क्यों रखी? क्यों? आपको तो पता ही नहीं कि इस पर वो ट्रैफिक देगा या नहीं देगा। इस पर ट्रैफिक देगा नहीं देगा सर? मैं क्योंकि अभी तक मैंने एक भी एड, मेरे पास कोई डाटा नहीं है सर, तो पहले मैं सर मैनुअली से स्टार्ट करूंगा ना अपना डाटा। ठीक है। क्योंकि सर अगर मैंने, मेरे को कुछ पता नहीं आइडिया, और अगर मेरी कोर्स की ज्यादा क्लिक आ गई, अगर मेरी एड्स पे ज्यादा पैसे लगे तो सर मेरा लॉस ही होगा ना उसमें, मैं पहले मैनुअली से स्टार्ट करूंगा सर। ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि हम बिड रखे ही ना, एक दिन उसको चला के हमारे पास डाटा आ जाएगा और फिर हम अपनी बिड सेट करें। बिड सेट सर पर ऐसे होगा नहीं ना, जैसे कि अब मैंने अपनी एड्स चलाई मैनुअल में, मैंने एड चला दी अपनी है ना, उसमें मेरे क्लिक्स के आ रहे जैसे 8 रुपीज आ रहे, 10 रुपीज आ रहे, तो मेरे डाटा में पता नहीं कि मैं अपने एक क्लिक्स के 10 रुपीज रखता हूँ, तो सर गूगल उसी हिसाब से मेरे एड्स के जो मैं ऑटोमेटिकली बिडिंग स्ट्रेटजी लगाऊंगा ना, तो गूगल ऑटोमेटिकली सर वो। तो आपको कीवर्ड प्लानर से बिड आइडिया नहीं मिल सकता है? हाँ जी, कीवर्ड प्लानर से बिड आइडिया मिल जाता है। हम अपनी लोकेशन जैसे कि कर लेंगे, जैसे कि आप जीरकपुर है तो मैं अपने जीरकपुर की, ठीक है, कर दूंगा जीरकपुर। ठीक है। अब मान लो कि आपने ये लोकेशन डाल दी, लेकिन हमारे सर्च आ गया अंबाला से, तो उसको आप हटाने के लिए क्या ऑप्टिमाइज करोगे?
कि अंबारा से क्लिक ना है, सिर्फ जीरकपुर से ही है। आप लोकेशन ऑलरेडी डाल चुके हो आप अपने उसमें कैंपेन, बट फिर भी आज चंडीगढ़ की जगह अंबाला से क्लिक आ गया है फिर भी, तो आप उसको ऑप्टिमाइज कैसे करोगे अपने कैंपेन को? अंबाला से ना आए, अंबाला से ना आए। हाँ, कि आपको, आपने एक दिन ऐड चलाई, आपने अपना डाटा देखा लोकेशंस में जाके कि कहाँ कहाँ से क्लिक आए, आपके 10 क्लिक आ गए हैं जीरकपुर से, ठीक है, जीरकपुर के एरिया से 2 क्लिक आ गए हैं आपके अंबाला से, तो वो आपके वेस्ट हो गए, तो आप उसको कैसे ऑप्टिमाइज करो? कैसे ऑप्टिमाइज करूंगा कैंपेन को, कैसे ऑप्टिमाइज करोगे कि कहीं और के क्लिक ना आए, कहीं और के क्लिक ना आए, स्पेसिफिकली अंबाला के क्लिक, अंबाला के क्लिक ना आए? इसको मैं बोल रहा हूं, उसको ना चिकन में यहाँ पे देखो दो ऑप्शन आ रहे हैं, अब जैसे ये टारगेट एंड एक्सक्लूड में ना, एक्सक्लूड में होएगा सर वो, टारगेट तो होगा ना जिसको हम टारगेट कर रहे हैं, वो हम एक्सक्लूड में जाके करेंगे। अब मेरे को थोड़ा याद आया, एक्सक्लूड में जाके करेंगे, हम अंबाला को एक्सक्लूड कर देंगे। आप याद रखें आगे। थैंक यू सर। लैंग्वेजेस सर ऐड कर देंगे, इसके बाद हम अपने मोड्स ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे अपनी, कि हमारी जो प्रोडक्ट है, हमारी सर्विस है, किस बेस के, उसके हिसाब से हम अपनी ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे। कोई भी एक आप होम कैटेगरी के लिए कोई सेगमेंट चूज कर, जो सर आजकल चल रहे हैं, मैंने उसकी बेस पे किया है। हाँ, और उसके बाद सर मोर सेटिंग में जाके हम अपना पूरा शेड्यूल लगा सकते हैं कि हमने कब चलानी है, कब एंड करनी है, और कौन से दिन हमने ऑल डे करनी है, मंडे टू फ्राइडे करनी है, हम वो यहाँ से कर सकते हैं सर। ठीक है। नेक्स्ट, और यहाँ पे सर अपने कीवर्ड्स डाल देने हैं, और यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट है जैसे हमारे उसका वो नाम डाल के, और फिर हम अपने यहाँ पे सारे कीवर्ड्स सर्च कर लेंगे कि आपने जैसे कि कोई भी हो उसने कौन से कीवर्ड से हमारी जो कैंपेन रन हो रही है वो, उसके बाद सर हमारी पूरी हेल्प हो जाएगी कि हमारी कैसे, बट हमको सारे हमारी जो स्ट्रेंथ होगी ना, जैसे हम यहाँ पे लगाएंगे अपने डिस्प्ले पार लगाएंगे, जैसे हमारे यूआरएल क्या की, जैसे कि मेरी फिटनेस ब्लॉगर वेबसाइट थी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिटनेस ब्लॉगर www.rishabfitness.com, उसे अभी फिटनेस ब्लॉगर लिख लेंगे। हेडलाइन तो सर 15 हेडलाइन ऐड कर सकते हैं हम, बट कंपल्सरी 5 to 6 तो सर हमने करनी करनी है, और डिस्क्रिप्शन 5 कर सकते हैं, बट 2 तो हमने डिस्क्रिप्शन करनी करनी है सर। एंड एक्सटेंशंस, एक्सटेंशंस सर क्या बेनिफिट होता है एक्सटेंशंस का? एक्सटेंशन के सर जिस एड्स है सर, एड्स का है, उसमें नीचे एक्सटेंशन आ गई कॉल आउट का कॉल सर, तो सर हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, या फिर साइन अप लगा सकते हैं, फिर हम कुछ सब्सक्राइबर लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। और इधर सर साइट लिंक्स में, जैसे कि मेरे पास मैं वो है ना मेरी वेबसाइट है, उसमें मैं सीधा साइट लिंक्स में दे सकता हूँ, मेरा होम पेज का दे सकता हूँ, प्राइस का दे सकता हूँ, कॉन्टैक्ट अस का दे सकता हूँ, कहीं पर भी दे सकता हूँ मैं सर उसको, तो हेल्प करेगा मल्टीपल अगर आपके प्रोडक्ट से तो डायरेक्ट उस प्रोडक्ट पे चले। क्या होता है, आपकी गूगल बिजनेस लिस्टिंग होती है, वो गूगल एड से लिंक हो जाती है, ठीक है, तो अब गूगल एड से लिंक तो होगी, उसको पता है कि आपका ये बिजनेस है और ये लोकेशन है, उसके बाद आप यहाँ ऐड में कैसे चूज करोगे कि ऐड के नीचे ना वहाँ पे सीधा ही आपकी लोकेशन का लिंक आ जाता है सर, कैसे चूज करोगे? अभी तो आपने साइट लिंक्स खोले हैं, आपको पहले वो लोकेशन एक्सटेंशन चूज करनी है सर, उसका मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया है। ओके ओके, नो इश्यू सर। फेसबुक बजट पूछ, हां जी फेसबुक, फेसबुक एड्स के बारे में, सोशल मीडिया में सर है फेसबुक एड्स के बारे में, अच्छा होल्ड है आपका उसमें सर? दोनों वैसे तो मेरा तीनों में है, एसईओ में भी, सोशल मीडिया में, बट मेरे को ना सोशल मीडिया में थोड़ा इंटरेस्ट है, जैसे कि ना मैं कुछ इन्फ्लुएंसर हो गए, जैसे यूट्यूब पे ब्लॉग डालते रहता हूँ। ओके, आपने अभी तक किसी प्रोजेक्ट पे काम किया है फेसबुक एड्स के? फेसबुक एड्स से सर मैंने अभी करना है, जैसे कि मेरा ब्रदर है ना वो क्या कहते हैं इंस्टाग्राम पे ना इन्फ्लुएंसर है फिटनेस का, तो उसका थोड़ा बहुत करना था काम, बट थोड़ा उसका फाइनेंशियल था, मतलब फ्रेंड ही है मेरा, उसका फाइनेंशियल था, वो कह रहा था मैं थोड़े दिन में एड्स का पे कर दूंगा, तो मेरी एड्स चला थी फेसबुक के ऊपर। आप फेसबुक पे कैंपेन बना के दिखाओ। ओके ठीक है, आप
आपने उसमें कुछ भी नहीं चेंज करना है, सिर्फ और सिर्फ ये सेटिंग्स देनी है कि आपने कैंपेन का ऑब्जेक्टिव रखना है सेल्स, कैंपेन बजट पे लेवल पे, कैंपेन लेवल पे बजट लगाना है $25, एज ग्रुप ये रखना है, कंट्री ये रखनी है और बिड कैप लगानी है इतनी सेट। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है एडवांटेज या फिर मैनुअल कैंपेन, अब क्या चूज करो? एडवांटेज या फिर मैनुअल कैंपेन? यहाँ का वाईफाई पासवर्ड है आपके पास? तो सही शेफ चेंज हो गया सर, अभी वो ठीक करते हैं। एक्चुअली मैं आपको बुला के कर सकते हैं वाईफाई, कोई बात नहीं, ज़्यादा काम है नहीं है। आपको सर मैंने कहीं पर्सनली देखा था कहीं से पंचकुला में? मैं सेक्टर 11 में ही जॉब करता हूं। सेक्टर 11 में? अच्छा, मैंने वहीं देखा आपको कहीं। उसके बाद मैंने अब कंपनी लेफ्ट कर दी 6-7 मंथ्स। मैं क्रिकेट खेलता ना, मैंने कहीं देखा आपको पंचकुला में, हरियाणा जनरल स्टोर के ऊपर ऑफिस था। अगर मान लो आपके पास ये आर्टिकल है, आपको इसको फेसबुक पे प्रमोट करना है, तो आप इस, आपको स्पाई के बारे में पता है? अगर आपको एड कॉपी जिसकी स्पाई करनी है, स्पाई के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में तो पता होगा, स्पाई के बारे में आपको इसके लिए ना एक हेडलाइन और प्राइमरी टेक्स्ट बनाना है इस आर्टिकल की। इस आर्टिकल के लिए तीन प्राइमरी टेक्स्ट ऑफ है, थ्री प्राइमरी टेक्स्ट और थ्री हेडलाइन, थ्री हेडलाइन, ठीक है। थोड़ी सी क्रिएटिव हो और थोड़ा सा क्लिकबेट, पता है आपको क्या होता है क्लिकबेट? पता है सर मेरे को क्लिकबेट, मेरे को थोड़ा याद है क्लिकबेट। कि अगर हम थोड़ी इंफॉर्मेशन हाइड करते हैं या गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, ब्लैक हैट के लिए व्हाइट हैट के बारे में बताइए। और व्हाइट हैट तो सर वो जो गूगल की गाइडलाइंस के फॉलो करेंगे, ब्लैक हैट में, ब्लैक हैट में सर वो आ जाएगी जैसे कि स्पैम लिंक्स हो गए उसमें, ठीक है। और ग्रे हैट, ग्रे हैट में सर जैसे कि हम पेड करके कुछ कर सकते हैं, किसी को पे करके कि हमारे के लिए लिंक कर सकते, और नेगेटिव में ये होगा किसी की वेबसाइट हैक कर ली हमने और उसका गलत लिंक, उसमें ज़्यादा स्पैम लिंक्स लगा दिए हमने, उसके लिए सब नुकसान हो जाते हैं सर, नेगेटिव में आएगा। इसमें आप वो चीज़ चेंज कर दो, ये सेट कर। बस पब्लिश मत कर, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट लेवल पे आओ, नेक्स्ट लेवल पे आओ, तो यहाँ पे ऑप्शन है पब्लिश करना है मेरे से, आता हाँ सर, एड से लिखना वन एड सेट सर, मेरी लाइफ में कुछ और प्रीव्यू आ रहा है, हाँ वो इंटरफेस चेंज होता रहता है, कोई इशू नहीं है।
सर ऑलरेडी सेट है 21 to 60 ठीक है इनको ये क्या लिखा हुआ जी मतलब लोकेशन यस यूएसए डालना सर आपके लिए फीमेल इंटरफेस थोड़ा अलग आ रहा है मेल है कोई बात नहीं और प्लेसमेंट्स आप चेंज कर सकते हो मोबाइल ओनली करना है जी मोबाइल ओनली सिर्फ मोबाइल पे एड शो नेटवर्क्स नहीं चेंज करने हैं प्लेटफॉर्म्स नहीं चेंज करने सिर्फ डिवाइस चेंज कर ठीक है आप फेसबुक गूगल पे ना आपने ये लिखना है योर फेवरेट कंट्री सिंगर्स देन एंड नाउ ठीक है और इसके ऊपर आपने बस तीन प्राइमरी टेक्स्ट और तीन हेडलाइंस लिखी थ्री प्राइमरी टेक्स्ट और थ्री हेडलाइंस योर फेवरेट कंट्री सिंगर्स देन एंड नाउ थैंक यू सर इनको एक आर्टिकल पे इसके आर्टिकल पे तीन हेडलाइन और तीन टेक्स्ट लिखे अच्छा इस चैट पॉपुलर इन द वेकेशन ओनली चार्ट इंटरेस्टिंग हेडलाइन कैनेडियन सिंगर एंड टीम आइडल फर्स्ट आर्टिस्ट ऑक्यूपाइड द टॉप टू अभी पंचकुला में फैमिली के साथ ही रहते हो यहीं पे बेसिकली शुरू से नहीं शुरू से अभी 29 में थे बट 2011 से जब रिटायर हो गए थे बट सिटी में ही बेस्ड हो ओके तो 11 सेक्टर देखिए सर सेक्टर 1 जहां पे कोर्ट है कोर्ट के नियर बैक साइड ठीक है तो अब फिर आप गिरतपुर जॉब के लिए कैसे सर मैं स्पीकर दे दूंगा और थोड़ा सा आप अपने गोल्स के बारे में बताओ कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म आपका भी क्या गोल है सर पहले तो मेरा गोल था कोडिंग लाइन में था अपना पहले गोल्स का जैसे कि मैंने पहले जावा मैंने जावा भी ज्वाइन कर रखी है बट मेरे को ना कोडिंग इतना इंटरेस्टिंग लगा नहीं उसमें ना थोड़ा दिमाग वैसे वाला काम था कोडिंग में तो फिर मेरा भाई एक डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है फ्यूचर फाइंडर्स में तो उसने ना मेरे को एक साथ जब मेरा एक कोर्स कम्प्लीट होने वाला ही था फिफ्थ सेम में उसने मेरे को बताया कि बताया कि ये के लाइन है मैं स्टार्ट करने चाहता हूँ अगर तू देख ले फिर मैंने इसके बारे में पढ़ा फिर मैंने इंस्टीट्यूट भी सर्च किए फिर मेरे को सर ये वाला इंस्टीट्यूट सबसे बेस्ट लगा क्योंकि ये रैंकिंग में भी अच्छा रहा था और क्या कहते हैं जो प्रीति मैम है आके उन्होंने भी बहुत अच्छा मेरे को बहुत सही पढ़ाया उन्होंने तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपना करियर इसी में स्टार्ट करने चाहता हूँ उसके बजाय जावा की बजाय तो मैंने अपना डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर स्टार्ट करा और मेरे को लगता है कि फ्यूचर में सब कुछ डिजिटल ही होने वाला है तो मैं इसी तरह गूगल एड्स पे जैसे कि हम इंस्टेंट ही ला सकते हैं सर ट्रैफिक ना अपने गूगल एड्स से तो इसलिए में तो सब टाइम लगेगा एक साल ठीक है वैसे आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है कि आप अगले 5 साल में क्या कहाँ देखते अगले 5 साल में तो सर कहीं नहीं देखना चाहता बिकॉज मैं मैरिड हूँ अभी हाँ तो मैं एक्सपीरियंस लेना चाहता हूँ सर मैं किसी भी कंपनी में जाऊँगा 2 to 3 years मैं एक्सपीरियंस लेना ही लेना सर ओके क्योंकि मैं बिगिनर्स हूँ सर एक्सपीरियंस तो है ही नहीं मैं फ्रेश हूँ तो अगर यहाँ इस कंपनी में प्रोबेशन पीरियड के बाद जैसे बॉन्ड होगा तो उससे आपको कोई इशू है नहीं बॉन्ड से तो कोई इशू नहीं है सर क्योंकि और कोई जगह तो मेरे को कोई रिक्वायरमेंट है नहीं ना कोई देने का तो जिस भी कंपनी में जाऊँगा वहाँ के बॉन्ड से सही बॉन्ड ये फैसिलिटी तो देगा ना कि मैं कुछ सीख ही जाऊँगा वहाँ से चाहे 1 year का बॉन्ड हो चाहे 2 years का बॉन्ड हो सर ठीक है तो आप पहले 2 to 3 months जब आपकी ट्रेनिंग भी होगी और आपका टेस्ट भी होगा उस टाइम तो आप प्रोबेशन पीरियड पर रहोगे ठीक है और जो हमारे ऑफिस की टाइमिंग्स हैं तो वो थोड़ी ऐसी है कि आपको शुरू में तो 10 to 6 आना पड़ेगा 10 to 6 ठीक है आफ्टर दैट जब आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी आप अच्छा करने लगोगे तो आपकी टाइमिंग्स जो है फ्लेक्सिबल हो सकती है आपको फिर 12 to 30 to 6 ऑफिस आना और उसके साथ साथ आपको जब आप कैंपेन रन करोगे तो ऐसा नहीं है कि आप एक टाइम पे 1, 2, 3 कैंपेन लगा दो आप 50, 100, 200 कैंपेन्स भी एक टाइम पे रन करोगे ठीक है
क्योंकि हमारा मेन गोल होता है ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करना जो भी हमारे पास प्रॉफिटेबल कैंपेन्स हो, और टेस्टिंग करना। टेस्टिंग में ही हमारे कम से कम 50-60 कैंपेन्स हम लॉन्च कर लेते हैं पर डे, और अगर कोई उनमें से प्रॉफिटेबल आ जाता है तो हम उसके आगे 50-60 अलग बना देते हैं। तो एक एक दिन में हम कम से कम 100 कैंपेन्स रन करते हैं। ठीक है, तो एक एक थोड़ा सा फास्ट पेस एनवायरनमेंट रहेगा तो उससे आप कैसे कॉप अप करोगे? सर मैं अपना बेस्ट दूंगा सर, आई विल ट्राई सर। ओके, एंड टाइमिंग से आपको कोई इशू नहीं है? सर टाइमिंग से कोई इशू नहीं चाहिए। ये है कि 12-6 होगा, लेकिन उसके बाद जैसे इतनी कैंपेन्स हैं तो आपको रात को भी थोड़ा सा मैनेज करना होगा। आपने मान लो आप गए हो 6 बजे, आप अपना क्योंकि 6 बजे तो आप कैंपेन देख के जाओगे, ऑप्टिमाइज करके जाओगे, 3-4 घंटे कैंपेन्स ऑप्टिमाइज रहते हैं। उसके बाद आपने मान लो 10 बजे एक बार लैपटॉप खोल के अपने कैंपेन्स ऑप्टिमाइज कर लिए ना, 20-25 मिनट आधा घंटा लगता है। उसके बाद आपने 12-12:30 एक बार देख लिया, आपको जैसी सिचुएशन लग रही है आपने वैसे एक्शंस लेके तो आप सो। ठीक है, तो ये चीज़ मैनेजेबल है आपकी, इसीलिए हमारा उसके बाद नेक्स्ट डे का 12 बजे का सुबह आना होता है, क्योंकि हमें पता है कि रात को भी कहीं बार थोड़ा काम करना होता है तो सुबह आप 10 बजे रात को ही काम होते हैं इसका। हाँ, तो वो हम ऑफिस में नहीं करते, आप घर में कंफर्टेबल। ये चीज भी तभी होगी एक तो कि अगर आप मेनली फेसबुक पे रहोगे, फेसबुक टीम में रहोगे, क्योंकि फेसबुक और गूगल के लिए हम अलग अलग हायर करेंगे। ये हो सकता है आप दोनों भी रन करो, और दूसरा ये चीज मेनली क्वार्टर 4 में ही होता है, जो लास्ट के 3 महीने होते हैं जैसे कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तभी होता है इतना ज्यादा रात को, अदरवाइज रात को ज्यादा नहीं होता। क्योंकि इस इंडस्ट्री के लिए बेस्ट टाइमिंग होती है जब आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी होती है। ठीक है, सो तो वैसे जो आपकी ग्रीफन कंपनी है द ग्रीफन, तो ये क्या प्रोवाइड करती है सर, जैसे कि कुछ आईडिया होता है कि हम कुछ प्रोवाइड ही करते हैं किसी को भी? हम एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग? हां ठीक है ठीक है। ये हमारे पास नेटवर्क्स हैं जिनके साथ हम एज ए पार्टनर्स हैं, हम उनके प्रोडक्ट्स या कंटेंट जैसे जिसके आप जिसके जो आपके पास आर्टिकल थे उसको हम प्रमोट करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारी कंपनी में बहुत ही स्ट्रिक्ट कुछ चीज़ें रहेंगी, जैसे हो गया कि आप इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल ही रखना होगा, आप शेयर नहीं कर सकते हो। ठीक है, दूसरा इसमें क्या है कि आप अगर दूसरी जगह कहीं कुछ काम कर रहे हैं तो वो आप नहीं कर पाओगे। तो ये 2-3 चीजें रहेगी वो आफ्टर हायरिंग हम आपको सब कुछ। आपकी एक्सपेक्टेशंस कितनी हैं? मेरी 15-20 है। 15-20 और क्या नहीं था उनका रेशव का और दादाजी थे जो गवर्नमेंट प्लेयर थे, रिटायर हो चुके थे वो, तो पहले रिटायर हो चुके थे 2011 में। ओके, सिबलिंग्स आप मतलब बहन भाई तो मेरा एक छोटा ब्रदर है बस, वो भी पढ़ाई कर रहा है। ओके, और जो फ्यूचर फाइंडर्स में काम करते हैं वो कौन है? वो तो मेरे कजन ब्रदर है, मतलब कि मेरे कॉलेज में साथ ही थे कजन ब्रदर, बहुत की रिश्तेदारी की दूर की वो है। अच्छा, फैमिली फ्रेंड काइंड ऑफ दूर की। Okay. मतलब कि जैसे अननोन थोड़ा सा हो सकता है ना कि हाँ भाई थोड़ा जैसे पड़ोसी होते हैं वैसे बन जाते हैं उस हिसाब से दूर से। ये किस चीज में जॉब कर रहे हैं अभी? ये तो सर कंपनी को ही हैंडल कर रही है मैं, सिचुएशन हैंडल्स की। ओके, डिजिटल ऑपरेशंस में? हाँ जी हाँ जी। ठीक, ओके। इनकी तो सर कॉलेज में ही प्लेसमेंट हो गई जब ये कॉलेज कर रही है तब। ठीक है ठीक है, थैंक यू।